हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन शेफ विद रुखसाना। आज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन राइस। इसे अपन लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं, फ्रेश राइस से भी बना सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए लगेगा ये ऑयल है 3 टेबलस्पून, ये लेमन जूस है 2 टेबलस्पून, ये हरा धनिया, कड़ी पत्ता, ये हरी मिर्ची 4 से 5 हरी मिर्ची बारीक कट कर लीजिए, और ये अदरक है ग्रेटेड, ये 1.5 टीस्पून है, और ये है उड़द दाल 1 टीस्पून लिया है, ये चना दाल 1.5 टीस्पून है, ये 2 स्पून काजू है, और टेम्परिंग के लिए लगेगा ये 1/2 चम्मच जीरा लूँगी, 1/2 चम्मच राई लूँगी, ये रेड चिल्ली ड्राई रेड चिल्ली है, इसको मैंने 2 चिल्ली को स्लिट करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। दोस्तों, इसका टेस्ट लेमन राइस में बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ये डालें रेड चिल्ली। और 2 बाउल ये मैंने राइस लिया है, इसे आप खुला खुला करके ले लें। अभी हम बनाना चालू करते हैं। मैंने पैन गरम किया है, अब इसमें सबसे पहले तेल डालते हैं। मैं यहाँ तेल के साथ 2 चम्मच घी भी डाल रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। अभी तेल गरम हो चुका, ये 1/2 चम्मच जीरा, ये राई, अब इसमें डालेंगे रेड चिल्ली, अब इसमें हम दोनों दाल डालेंगे। दोस्तों, काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसलिए काजू को अपन बाद में डालना है इसमें। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, दाल थोड़ी ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें काजू डालूंगी। अब इसमें हरी मिर्ची डालते हैं, और ये कड़ी पत्ता, और ये अदरक, इसमें 1 पिंच हल्दी डालूंगी, से कलर अच्छा आता है। और थोड़ा सा हींग डालेंगे, अब मैं ये राइस डालूंगी।
अभी ये लेमन जूस डालेंगे। फ्रेंड राइस में भी नमक है, इस वजह से अगर आपको नमक लगता है तो थोड़ा डालिए, ये ना लगता है तो मत डालिए। मुझे लगता है थोड़ा सा नमक लगेगा तो मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और इसको बैलेंसिंग करने के लिए थोड़े सी चुटकी भर शुगर डालें, क्योंकि अपन नींबू और नमक का बैलेंसिंग के लिए थोड़ी सी शुगर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलिए, अपने लेमन राइस बनके तैयार हो गया है। इसमें अभी हरा धनिया डालती हूँ मैं। इसे थोड़ी देर ढककर सिम पे रखें। लेमन राइस बनके तैयार है, अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। अभी गैस बंद कर देते हैं। इसे मैं अचार के साथ परोस रही हूँ। फ्रेंड्स, ये डिश आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और किचन शेफ विद रुखसाना को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। गुड डे।